खबर जनपद अल्मोड़ा से है, जहां विधायक मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विधायकों से मांगी गई विकास योजनाओं की स्वीकृति में देरी पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल एक प्रेस वार्ता के दौरान विधायक तिवारी ने कहा कि सीएम धामी ने प्रदेश के सभी 70 विधायकों से 10-10 विकास योजनाओं का प्रस्ताव मांगा था, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी अल्मोड़ा के लिए केवल 3 योजनाओं को ही स्वीकृति मिल पाई है, जिसको लेकर विधायक तिवारी ने विशेष रूप से पेयजल और हार्ट केयर सेंटर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख करते हुए इनकी जल्द स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी की मांग की है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द इन योजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई तो वे आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ने हमसे 10-10 योजनाएं मांगी थी, सारे विधायकों से, 70 के 70 विधायकों से। हमने प्राथमिकता में अपने अल्मोड़े की पेयजल समस्या को देखते हुए भविष्य की अल्मोड़ा सरयू सिराघाट पेयजल योजना, इसके अलावा हार्ट केयर यूनिट, इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज हो गया, इसके अलावा मिनी स्टेडियम्स हो गए, इसके अलावा हमारी अन्य जितने भी हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, इनको दिया था। और उसमें 2.5 साल व्यतीत होने के बावजूद भी अभी मात्र 3 योजनाओं को स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है, वो भी और अन्य योजनाएं अभी पाइपलाइन पर। हमारी मांग है, प्रदेश सरकार से हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री से, कि जिन जिन बातों को उन्होंने कहा है उनमें जो महत्वपूर्ण है, अल्मोड़ा सरयू सिराघाट पंपिंग पेयजल योजना, अल्मोड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज, अल्मोड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज और इसके अलावा जो अन्य है हमारे जो योजना है, उनको तत्काल स्वीकृत करें, उसमें उसकी सैद्धांतिक और वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति का धन आवंटित करने का काम करें, जिससे कि काम प्रारंभ हो सके।